हेलो गाइस, दिस इज विकास शर्मा। तो आज हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी के यहाँ, और आज संडे है तो बस बुस तो है नहीं कुछ, तो पैदल ही चले हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं। About to reach, और वो मेरा फैन चल रहा है सार आगे। और आज हमने गिम्बल से शॉट लिए, काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक शॉट आए हैं। बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो शॉट्स में ब्लॉग में नहीं डाल पाया उनको हम डाल देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू, भाई कतल व्यू आता है यहाँ से, कतल। अभी जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। ये है हमारा मंदिर, ये अभी बैक साइड से है। यहाँ पे हम जूते वगैरह उतारेंगे, फिर अंदर जाते हैं मत्था वगैरह टेक के। ये यहाँ पे साथ में भैरवनाथ जी का भी मंदिर है। यहाँ पे बैठ के खाना खाने का आनंद ही कुछ और है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो जैसे घर वाले साथ में आते थे तो खाना साथ में लेके आ जाते थे यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के मतलब खाना खाने का ना अलग ही आनंद आता था। अभी हम सुबह आए तो हमें और तो कुछ नहीं मिला, हम रास्ते से केले ले आए। तो हम 13 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके यहाँ तक आए, लेकिन मैं सही बोलता हूँ, जो मज़ा पैदल में आया ना वो गाड़ी में नहीं आता। तो इस मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले बच्चे जैसे गाय वगैरह चराने के लिए जाते थे, तो एक साथ में एक छोटी सी लड़की थी वो भी जाती थी, लेकिन जब वो शाम को वापस आती थी तो पता नहीं चलता था वो कहाँ गई। तो वो लड़की एक जगह पर सेला बन जाती थी, हर दिन ऐसा होता था। तो एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति के सपने में वो आई और उसने बोला कि मुझे ले जाके एक ऊंची शिला के ऊपर
विराजमान कर दो। तो गांव वाले अगले दिन गए, उन्होंने ऐसा ही किया, वो ले गए और उन्होंने सबसे ऊपर की शिला के ऊपर उसको जो मूर्ति थी उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया। लेकिन अगला दिन हुआ, अगले दिन वो दोबारा वहाँ से गायब हो गई वो मूर्ति। तो अगले दिन वो फिर से उस बूढ़े व्यक्ति के सपने में आई, तो उसने बोला कि ऐसे नहीं, मुझे पूरे ढोल नगाड़ों के साथ में तब जाके स्थापित करो, पूरी यात्रा ले जाके। तो फिर गांव वालों ने ढोल नगाड़े ले जाके और यात्रा ले जाके उस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया। और फिर आप देख सकते थे जैसे अंदर ढोल नगाड़े भी रखे हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो अब जो राजा था यहाँ का, बिलासपुर का राजा था, और उसकी पत्नी थी, वो काफ़ी टाइम से निसंतान थे और काफ़ी टाइम हो गया था उनका, तो संतान नहीं थी उनकी कोई। तो एक दिन जैसे रानी की क्या बोलते हैं उसको, जैसे रानी को ले जा रहे थे यहाँ से, जैसे कहीं पे भी रानी जाती थी तो डोली में बैठा के ले जाते थे, तो वैसे ही रानी गुजर रही थी यहाँ से। और रानी ने ऊंचे पत्थर के ऊपर रखी हुई मूर्ति की तरफ देख के पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने सेवकों ने बताया कि ये यहाँ पे एक कन्या देवी है और उसको यहाँ पे स्थापित किया हुआ है, और जो भी इसके पास से मन्नत मांगता है तो वो मन्नत पूरी होती है। तो रानी आई, रानी ने यहाँ पे आके मन्नत मांगी कि अगर मेरा पुत्र हो जाता है तो मैं यहाँ पे आके एक भव्य मंदिर की स्थापना करूँगी। तो रानी वापस आई, रानी को माता की कृपा से पुत्र हुआ और रानी ने आके इस मंदिर की स्थापना करी और इस मंदिर का नाम हरि देवी रखा, क्योंकि इस देवी की वजह से रानी की गोद हरी हुई थी और तभी से ही अब तक ये मंदिर हरि देवी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी नज़दीक हैं, जैसे बिलासपुर के काफ़ी लोग या हमीरपुर के काफ़ी लोग, जैसे मैं हमीरपुर से हूँ, तो उन सब की काफ़ी लोगों ने हरि देवी को अपने कुल देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। और जब भी किसी की शादी होती है या कहीं पे किसी का पुत्र होता है तो वो माता के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे अवश्य आते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं वापस, हमारा ट्रिप हो गया यहाँ पे ख़त्म। और भाई थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अभी, क्योंकि आते टाइम हम पैदल आए थे और अब जाते टाइम देखना पड़ेगा, अगर कोई जीप नहीं मिली तब तो भाई गाड़ी वाला बुलाना पड़ेगा, वरना हम दोनों लेट जाएंगे रास्ते में ही। तो हाँ भाई 12 किलोमीटर भाई बहुत ज़्यादा होता है। और अब यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना, मेरा भी ठीक है। और ये भाई हमारे साथ में चले हैं, मनोज कुमार एम स्टार नाम से इनका चैनल है और ये अपने चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी सिनेमैटिक वीडियो डालते हैं, ठीक है। इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, इन्होंने आज बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ली हैं। और
प्लीज सपोर्ट अस। हाँ सपोर्ट करना, क्योंकि अभी नया चैनल है तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना उसको लगेगा माता रानी का पाप, ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। और जो भी कोई आता है हिमाचल घूमने, अगर कोई भी आएगा तो भाई इस मंदिर को ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से अपने, अगर आप बिलासपुर आते हो तो बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है घुमारवीं। बिलासपुर से आपने घुमारवीं आना है और घुमारवीं से आपने डंगार के लिए आना है। डंगार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। अगर आप किसी गाड़ी में आ रहे हो तो आराम से आपकी गाड़ी ऊपर मंदिर तक पहुंच जाएगी, लेकिन व्यूज़ और मतलब बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, अपना ख्याल रखना कोरोना में, ठीक है, टेक केयर।